गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान से सुने। अब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, इसमें इस बात पर भी ध्यान देने वाली बात है ये भी कि हमारी इस बार हो सकता है बुक चेंज हो जाए, और इस नई बुक के आधार पर ही आपका लेसन वन आज से शुरू किया जा रहा है। तो जो बुक्स आपके पास पुरानी हैं वो चेंज संभवतः हो चुकी हैं, अब न्यू बुक के आधार पे हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। और वो बड़ी ही स्पेशल बुक है, आप इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो आपकी फर्स्ट बुक थी या प्रीवियस ईयर्स में जो हम लोग पढ़ते थे उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो बुक रहेगी। उसको बहुत मेहनत हमें करना पड़ेगा तब जाकर हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, उस पर अपना कमांड कर पाएंगे। इतनी टफ भी नहीं कि हम उसको कर ना सकें, पर थोड़ा ध्यान देने की अब ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, हर पोर्शन उसका डिवाइडेड है, क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत तरह के मिलेंगे उसमें, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, है ना, यानी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लेंथी आंसर भी आपको अवेलेबल यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट लेसन देख लेते हैं, आप उसका रीडिंग कोर्न अगर न्यू बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो गई है तो कोई बात है नहीं, अगर नहीं भी हुई है तो अभी आप सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, और जब भी लेस बुक आपके पास अवेलेबल हो जाए तो उसको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। बिना पढ़े आपको कितने ही आंसर कुछ भी क्यों ना करा दिए जाए आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे इंग्लिश को, इसलिए पढ़ने की आदत डाल लें। अगर पुरानी बुक है तो अभी भी उसको पढ़ना सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ ओल्ड मैरगी एंड टॉमी, ये लेसन फर्स्ट है, द फन दे हैड। यहाँ पर पढ़ाई के बारे में बताया गया है कि पहले के दौर में कैसे पढ़ाई होती थी, और ये एक्चुअली फ्यूचर का फ्यूचर बेस्ड एक लेसन है, ये 2021 में कैसे पढ़ाई होगी उस पर आधारित ये लेसन है। तो 2021 का बच्चा आज की पढ़ाई का दौर देखकर किस तरीके से आश्चर्यचकित होता है कि पहले लोग कैसे बुक किताब कॉपी से पढ़ते थे, लिखते थे, क्लासें लगती थी, लेकिन आज का दौर यानी 2021 का दौर देखो, ना क्लास है, ना बच्चे हैं, ना प्लेमेट्स हैं, कोई नहीं है, बस एक रूम में बच्चा पढ़ने लगता है, पढ़ाने वाले टीचर भी कंप्यूटर ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के थे दोनों। तो मार्गी वाज 11 ईयर्स एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, यानी मार्गी 11 साल और टॉमी 13 साल का था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, में वो क्या लिख रही थी, लिखा मार्गी ने क्या लिखा डायरी में, शी रॉट अबाउट ए रियल बुक विच फाउंडेड टू टॉमी, एक वास्तविक पुस्तक के बारे में लिखा जो कि टॉमी को मिली। हैड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, इससे पहले क्या मार्गी ने कोई बुक देखी थी, नो मार्गी हैड नॉट एवर सीन ए बुक बिफोर, इससे पहले मार्गी ने कभी बुक नहीं देखी थी। ये सिर्फ शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर हैं, ये क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का जो बेस है वो तीन तरीके से डिवाइड कर रखा है, तो अभी आप इसको इतना सिंपल समझ सकते हैं, बट आगे के क्वेश्चन और लेंथी आपको मिलेंगे। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक ऑफ डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, क्या देखा, क्या कौन सी चीज़ जो बुक देखकर वो आश्चर्यचकित रही, क्या था वो। द बुक वॉज वेरी ओल्ड, पुस्तक एक तो बहुत पुरानी थी, इट्स पेज वर येलो एंड एनसर्गली, है ना, क्रिंकली एक तरीके से कहा जाए तो श्रिंकली पेज थे, लाइन मतलब मुड़े हुए थे, उनमें फोल्ड पड़े हुए थे, और रंग उनका पेजों का पीला था, बहुत पुरानी बुक थी। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, वर्ड्स पढ़ना बड़ा ही अचंभित लग रहा था, उसमें आनंदित लग रहा था, बड़ा मजाकिया लग रहा था। वाट डू यू थिंक इट टेली बुक के बारे में, आप क्या सोचते हो, क्या है एक टेली बुक, वाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज, ए टेली बुक इज ए मॉडर्न, इट इज ए टेली बुक इज ए मॉडर्न टीचिंग एड्स विच प्रोवाइड टेक्स्ट बुक ऑन द स्क्रीन, टेली बुक एक आधुनिक
शिक्षक सामग्री है जो उपलब्ध कराता है टेक्स्ट बुक को एक स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, टेलीविज़न स्क्रीन होती है, उस पर बच्चों को पुस्तक के तौर पर पेज के माध्यम से दिखाई देती है एज ए पेज। उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है जिसकी सहायता से बच्चा उस पर पढ़ सकता है। वो अपने आप में एक मूवेबल होता है, गतिमान होता है, उसको हम मूव करा सकते हैं, पेज बदल सकते हैं, है ना। तो ऐसी ही एक हम एक कह सकते हैं मूवेबल स्क्रीन विच हेल्प अस टू रीड टेक्स्ट बुक, है ना। आज का दौर नहीं है भाई, ये दौर आएगा 2100 आफ्टर सेंचुरी, दिस सेंचुरी, यानी 2020 चल रहा है, हम 2100 की बात कर रहे हैं। ये 2157 2145 का आज से लगभग 100 years मोर देन 100 years बिफोर, है ना। तो ओके डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है न्यू बुक से रिलेटेड। अब एक पोर्शन आएगा उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप मिलेंगे 6-7 क्वेश्चन, फिर एक पोर्शन आएगा जिसमें आपको वेरी लॉन्ग आंसर मिलेंगे। तो ये बुक बहुत स्पेशल सीरीज़ है, NCERT बेस्ड है, तो आपको अब तैयार रहना पड़ेगा अंग्रेजी को बहुत अच्छे से, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, नई बुक आप अवेलेबल एक स्कूल में कंफर्म करके नई बुक परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।